KTM की ड्यूक 390 से ऐसी कम्पीट करने के लिए क्यूजे मोटर्स ने अपने एस आर के फोर को इंडियन टूलर मार्केट में लॉन्च कर दिया है बाइक के अंदर काफी अच्छे प्रीमियम कंपोनेंट्स हैं। और बाइक का डिजाइन और स्टाइल भी काफी अच्छा है सो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्यूजे मोटर्स के न्यू बाइक एस आर के फोर हंड्रेड के बारे में बाइक एक प्योर नेकेड स्ट्रीट फाइटर सेगमेंट की मशीन है जिसके लुक्स डिजाइन और स्टाइल काफी अच्छे हैं। बाइक के अंदर काफी अग्रेसिव डिजाइन है फ्रंट से देखने में एकदम सुपर बाइक की जैसी लगती है प्राइस के बारे में बात करें तो बाइक का एक्शोरम प्राइस है थ्री लैख फिफ्टी नाइन थाउजेंड और बाइक का ओनरोल प्राइस आपको चार लाख रुपए के आसपास देखने को मिलेगा लेकिन के की ड्यूक थ्री नाइन्टी का शोरूम प्राइस है टू लैक नाइन्टी सिक्स थाउजेंड और उस बाइक का ओनरोल प्राइस आपको थ्री लैख फिफ्टी थाउजेंड के आसपास देखने को मिलता है सो क्यूजे मोटर की एस आर के फोर हंड्रेड थ्री से साठ हजार रूपए के आसपास महंगी है लेकिन बाइक का बेस्ट पार्ट यह की इसके अंदर ट्विन सिलेंडर इंजन है सो इंजन के बारे में अगर बात करें तो बाइक के अंदर फोर हंड्रेड सीसी का इन लाइन ट्विन सिलेंडर लिक्विड कूल्ड डीओ एच इंजन है जिसकी पावर है फोर्टी वन पॉइंट फाइव पी एस एट नाइन थाउजेंड आरपीएम और टॉर्क आउटपुट है 37 सेवन मीटर एट 7,500 थाउजेंड फाइव हंड्रेड आरपीएम बाइक के अंदर सिक्स स्पीड गियर बॉक्स है सो so, सेगमेंट के अकॉर्डिंग बाइक की ओवरऑल परफॉर्मेंस काफी अच्छी देखने को मिलेगी क्योंकि बाइक के आउटपुट फिगर्स काफी अच्छी है लेकिन बाइक के मैक्सिमम पावर ड्यूब 390 से थोड़ी सी कम है डिजाइन और स्टाइल के बारे में अगर बात करें तो बाइक के अंदर फ्रंट में ट्विन एलईडी प्रोजेक्टर हेडलाइट है जिसका डिजाइन काफी अग्रेसिव है और बाइक के अंदर एलईडी डी भी हैं। तो बाइक के फ्रंट लुक्स तो काफी ज्यादा अच्छे हैं फ्रंट में बाइक के अंदर प्रीमियम अपसाइड डाउन फ्रंट फोक्स है और टू सिक्सटी एम की फ्रंट में डुबल डिस्क ब्रेक है बाइक के एलोविक्स का डिजाइन भी काफी अच्छा है फ्रंट में वन हंड्रेड टेन सेक्शन का टायर है सेवनटीन इंच के व्हील्स है और बाइक रोबस्ट जैसी पे बेस्ड है रियर में बाइक के अंदर एडजस्टेबल मोनोशॉक सस्पेंशन दिया गया है और बाइक के अंदर टी कलर डिस्प्ले वाला फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल है जिसके अंदर सारे फीचर्स फुली डिजिटल हैं और फ्यूल टैंक कैपेसिटी है 13.5 पॉइंट लीटर्स की और बाइक के अंदर ऑल एलई लाइट्स का सेटअप दिया गया है फ्रंट में भी एलईडी इंडिकेटर्स है और रियर में भी एलईडी इंडिकेटर्स है सो so बाइक के अंदर काफी अच्छे प्रीमियम कम्पोनेट्स है डिजाइन भी काफी अच्छा है बाइक की परफॉर्मेंस भी काफी अच्छी देखने को मिलेगी और इन लाइन ट्विन सिलेंडर इंजन होने की वजह से बाइक का एक्जोस्ट नोट भी काफी अच्छा होगा बाइक में स्प्लिट टाइप की सीट हैं। बाइक का राइडिंग पोस्चर काफी कंफर्टेबल है लेकिन बाइक की पीलियां सीट उतनी कंफर्टेबल नहीं है डायमेंशन के बारे में अगर बात करें तो बाइक की फुल टैंक कैपेसिटी थर्टीन पॉइंट फाइव लीटर्स की है वेट है वन एटी सिक्स के जी ग्राउंड क्लियरेंस है वन फिफ्टी एम एम और बाइक में वन फोर्टी सेवेंटी सेक्शन का रियर टायर है और पीछे भी 17 इंच का व्हील है 240 फोर्टी mm एम की रियर डिस्क ब्रेक है जिसके साथ में स्टैंडर्ड डुअल चैनल ई है और बाइक के अंदर रियर टायर हगर के अंदर इंटीग्रेटेड एलईडी इंडिकेटर्स दिए गए हैं जिनके पीछे से लुक्स काफी अच्छे आ रहे हैं और बाइक के अंदर अंडर बैली एक जो सिस्टम है सो बाइक का डिजाइन काफी कॉम्पैक्ट टाइप का है लेकिन काफी अग्रेसिव लुकिंग मशीन है और ट्विन सिलेंडर फोर सीसी इंजन के अकॉर्डिंग बाइक का प्राइस भी काफी सही है बाइक का ऑनरोड प्राइस आपको चार लाख रूपए के आसपास देखने को मिलेगा और बाइक के अंदर प्रीमियम फीचर्स भी काफी अच्छे है जैसे की ओल्ड एलईडी लाइट्स का सेटअप टी एफ टी डिस्प्ले वाला इंस्ट्रूमेंट कंसोल अपसाइड डाउन फ्रंट फोक्स डुअल चैनल एबीएस और फ्रंट में ड्यूअल डिस्प्ले तो दोस्तों आपको क्यूजे मोटर की एस आर के फोर हंड्रेड देखने में कैसी लग रही है यह आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और ये बाइक इंडियन टूलर मार्केट में ड्यूब थ्री नाइनटी के साथ कम्पीट करेगी हालांकि इस बाइक का प्राइस तो ड्यूब थ्री नाइनटी से काफी ज्यादा है लेकिन ये बाइक इंडियन टूलर मार्केट में एक प्लेटफॉर्म सेट कर सकती है जिन लोगों को चार लाख रूपए के आसपास में ट्विन सिलेंडर इंजन वाली बाइक चाहिए तो वो लोग इस बाइक के साथ जा सकते हैं लेकिन इस बाइक की एक्चुअल परफॉर्मेंस कैसी होगी बाइक की एक्चुअल फिट एंड फिनिशिंग कैसी है बाइक सिटी में कैसा परफॉर्म करती है हाईवे पे बाइक की स्टेबिलिटी कैसी है इन सब चीजों के बारे में हमें पता चलेगा जब बाइक के रिव्यूज आने स्टार्ट हो जाएंगे तो so दोस्तों इस वीडियो में इतना ही आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी अगर कुछ भी इस वीडियो में आपको अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर देना चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर सकते हो मिलते हैं अगली वीडियो में टिल देन राइड सेफ ड्राइव सेफ